हाँ भाई, कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे हो? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेट कंडीशनिंग जो है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने, पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो पावलोव ने दी थी, एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे। इसी प्रकार जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो दी थी बीएफ स्किनर ने। किसने दी थी? बीएफ स्किनर। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है 1983 में दी थी। ये चीज आपको कुछ याद रखनी है। किसने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, ये याद रखनी है। कब दी थी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो इसका मेन थीम है इस थ्योरी की, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है इसकी जो मेन थीम है वो क्या है, जो एनिमल्स होते हैं, प्राणी होता है, उसका सकिरीय व्यवहार जो है इसकी मेन थीम है। सकिरीय व्यवहार के ऊपर ये जोर देता है। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये। अब बात करें कि ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग आई कहां से। हमने पढ़ी पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो, और जो थोर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी थोर्नडाइक ने दी थी, उनको आधार बना के, उनको बेस बना के ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई। ठीक है, और एक ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसका एक नया सिद्धांत बना दिया। अब बात ये है कि इसमें ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसमें स्किनर ने जो रिस्पॉन्स है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस स्किनर ने दी है। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो हमारी डिजायर्स होती हैं या फिर जो डिजायरेबल बिहेवियर होता है वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। जो डिजायरेबल बिहेवियर होता है उसको ही स्किनर ने क्या कहा है, ऑपरेंट बिहेवियर। बिहेवियर उसको ही स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर कहा है। उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास इनविटेशन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इनविटेशन है शादी का, मैरिज का इनविटेशन है कहीं से, तो आप उसमें जाएं या ना जाएं ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी की जोर जबरदस्ती के ऊपर। तो ये कौन सा बिहेवियर है, ऑपरेंट बिहेवियर या डिजायरेबल बिहेवियर है। हम जाएं ना जाएं ये हमारी मर्जी है। यही एक आता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर की बात करें, रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है, वो बिहेवियर जो स्वाभाविक रूप से होता है या फिर किसी के व्यवहार में जो शामिल होता है वो इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता। रिस्पोंडेंट बिहेवियर जैसे मान लीजिए चलते चलते आपके पैर में कील चुभ जाए या कोई कांटा चुभ जाए तो क्या होगा, दर्द होगा, तो वो क्या है, रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी इच्छा के ऊपर, डिजायर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। और ये जो ऑपरेंट बिहेवियर है ये पूर्णतः हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है, ये जो थ्योरी है ये कहां से आई, क्लासिकल कंडीशनिंग और जो थोंडे की
ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी उसको बेस बना के बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी। इसमें प्राणी के सक्रिय व्यवहार के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है या फिर उसका मुख्य जो आधार कहें वो सक्रिय व्यवहार है प्राणियों का। ठीक है, अब इसकी जो मेन थीम है ऑपरेंट कंडीशनिंग की मेन जो थीम है वो देखते हैं कि क्या कहता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था कि जो रिस्पॉन्स ना स्टिमुलस आता है पहले, अगर बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की तो इसमें क्या होता था, पहले स्टिमुलस आता था फिर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स होता था। ठीक है, बट ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको कहा जाता है उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी इसको कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके नाम है। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग का बिल्कुल विपरीत है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इस सिद्धांत में जो ये थ्योरी या सिद्धांत है, इसने जो थोंडेग ने दी थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, थोंडेग ने दी थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ठीक है, और इसमें आरएस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, और इसने दिया स्टिमुलस आरएस को इसने क्या किया, देखिए ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और थोंडेग की जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी उसको इसने गलत साबित कर दिया। इसके अनुसार क्या हुआ कि पहले रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, पहले रिस्पॉन्स होगा और फिर क्या होगा, स्टिमुलस होगा, इन्होंने ये कहा। और थोंडेग क्या कहते हैं, पहले स्टिमुलस होगा और फिर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो जो व्यवहार है, व्यवहार है उसको आकार या शेप करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए इन्वायरमेंट में उसके प्रति कोई न कोई जो परिणाम है या कोई न कोई जो स्टिमुलस है वो होने चाहिए, जिस कारण से वो जो रिस्पॉन्स है वो आता रहेगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये डिपेंड करती है, डिपेंड है किसके ऊपर, व्यवहार के ऊपर, कि प्राणियों का जो व्यवहार है सक्रिय व्यवहार वो कैसा है। अब इसकी बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ा बॉक्स ले लिया एक्सपेरिमेंट, एक इन्होंने ऐसा बॉक्स लिया, जालीदार बॉक्स लिया। ठीक है, तो और मुख्य रूप से किसके ऊपर किया, चूहों के ऊपर, रैट्स के ऊपर इन्होंने ये किया। ठीक है, चूहों के ऊपर किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मतलब विशेष प्रकार का बॉक्स लिया जो जालीदार था, जिसको बाद में क्या कहा गया, स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो बॉक्स था ये साउंड प्रूफ था, ठीक है, साउंड प्रूफ था, साउंड प्रूफ था, और इसकी जो सतह थी वो जालीदार थी। ठीक है, इसमें एक पीतल का क्या लगा हुआ था, लीवर लगा हुआ था। ठीक है, और लीवर को दबाने से जो फूड है, लीवर को दबाने से फूड बाहर आता था। तो इसका एक सिस्टम बना रखा था, जब भी चूहा लीवर को दबाएगा वो चीज रिकॉर्ड हो जाती थी, कितनी बार या कितने मतलब प्रयासों के बाद में वो जो लीवर है वो दबा, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती थी। या फिर उसमें ये भी सेट कर सकते थे कि इतने प्रयास करने के बाद में
मतलब वेरिएशन उसमें ला सकते थे कि इतने जो प्रयास है चूहा करेगा उसके बाद ही उसको फूड मिलेगा, मतलब ये सारी चीजें हम उसमें एडजस्ट कर सकते थे। तो फिर उसने क्या किया, प्रत्येक बार जब भी चूहा लीवर दबाता था उसको भोजन नहीं मिलता था, ठीक है, उसमें हम मतलब चेंज भी ला सकते थे, और उसमें क्या था, रिकॉर्डिंग सिस्टम था, रिकॉर्डिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम था जो चूहे के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनको रिकॉर्ड करता था। तो यही थी थ्योरी कि भाई वो प्रयास करता उसमें रिकॉर्ड हो जाते कि कितने प्रयास किए गए हैं, उसके बाद उसको भोजन मिल जाता, वो फिर इधर उधर घूमता रहता। फिर क्या है, उसको जब है कई बार जब प्रयास वो कर लेता था, मतलब कई बार या उसकी प्रैक्टिस जब हो गई, तो चूहा जो है वो अब इधर उधर घूमता नहीं, वो क्या करता, सीधा लीवर दबाता और खाना उसे मिल जाता, ठीक है, सीधा डायरेक्ट लीवर दबाता और खाना उसको मिल जाता। यानी उसने क्या कर ली, सीधी सी बात है कंडीशनिंग हो गई, या फिर हम कहें कि वो ये जो चीज है वो सीख गया है। तो इस प्रकार से भी चीजों को सिखा सकते हैं, जैसे कि क्लासिकल जो कंडीशनिंग थी उसमें भी यही था और इसमें भी यही है, बस इसका थोड़ा जो थीम है वो अलग है, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शिक्षा में कहाँ ये काम आता है, फिर इसकी जो अप्लीकेशंस हैं स्पेशल एजुकेशन में वो हम देखते हैं। इन स्पेशल एजुकेशन, अप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन स्पेशल एजुकेशन, देखिए इस सिद्धांत के द्वारा, ये जो सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है, इसके द्वारा बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है, जो मेंटली चैलेंज या मेंटल रिटार्डर या इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके लिए यह सिद्धांत जो है वेरी यूजफुल है, ठीक है, बहुत यूजफुल है, उनके व्यवहार में इसे हम चेंज ला सकते हैं। और ये जो थ्योरी है इसमें स्किनर ने क्या बताने का प्रयास किया है कि जीवन में किसी भी समस्या का जो हल है ऑपरेंटेड कंडीशन के द्वारा हम निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या हो उसका जो हल है ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है इसका उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। जो थ्योरी है इसके अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार की, रेनफोर्समेंट का नाम सुना होगा, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही प्रकार के रेनफोर्समेंट जो होते हैं वो काम के होते हैं, बशर्ते यूज कहाँ करना है हमें ये पता होना चाहिए। बाकी ये जो सिद्धांत है बच्चों में सोशलाइजेशन वगैरह जो सिखाया जाता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, बाकी प्रैक्टिकल चीजें सीखने में, जीवन में प्रैक्टिकल चीजें सीखने में भी ये जो सिद्धांत है वो काम आता है, ठीक है। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस थे, इसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी काम में, जैसे शेपिंग वगैरह हो गई, चैनिंग वगैरह हो गई, ये इसकी जो टेक्निक्स हैं ये बच्चों को सिखाने में, नए कॉन्सेप्ट सिखाने में काम आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के। यहाँ पे अपनी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ये खत्म हो जाती है, बाकी इसी प्रकार की और वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।